नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीके न्यूज चौगामा की आवाज। संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे राज्य मंत्री, मचा हड़कंप। मुजफ्फरनगर में सदर संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया। संपूर्ण समाधान दिवस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने पहुंचकर फरियादियों की फरियाद सुन अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए। 50 अप्लीकेशन आए, सबसे ज्यादा अप्लीकेशन राजस्व विभाग के लगभग 22 थे। उसके बाद चकबंदी विभाग का 10 थे और 12 पुलिस विभाग से संबंधित थे और अन्य विभाग से पोल्यूशन से दो और अलग अलग विभाग से एक एक दो दो अप्लीकेशन आए थे। लगभग 50 अप्लीकेशन आए। तो ये संपूर्ण समाधान दिवस मान्य मुख्य लोग जितने भी फरियाद आते हैं या IGRS में फरियाद आते हैं मौके पर टीम को भेज के चेक कराया जाता है और इसके बाद साक्ष के रूप में इसका फोटोग्राफी भी लगती है और दो लोगों का साक्ष भी लगता है जहाँ सर्विस बेस्ड हो। इसके अतिरिक्त जो भी रिपोर्ट आती है, एक तो संबंधित विभाग उसको संतुष्ट जो भी हो उसे फ़ोन करके और मेरिट बेसिस पे रिपोर्ट भेजता है। इसके अतिरिक्त ज़िले लेवल पे भी वॉर रूम से हर व्यक्ति को कॉल किया जाता है कि वो उस कार्रवाई से संतुष्ट है कि नहीं है, संतुष्ट है ये पूछा जाता है। अगर संतुष्ट नहीं है और इसको फिर लगता है कि हाँ इसमें और कार्रवाई की ज़रूरत है तो फिर चले जाते हैं, फिर से वापस इसको भेजा जाता है ताकि सर अग्रतर कार्रवाई करके फिर से अवगत कराएगा। तो ये कोशिश ये की जाती है कि संतुष्टि प्रतिशत बढ़े और जो न्यायालय से बाहर है और जो समाधान हो सकता है वो 100% समाधान। तहसील दिवस मुजफ्फरनगर में, यहाँ पर मैं हूँ, हमारे जिलाधिकारी, हमारे SSP, सभी CO's, SDM's जो क्षेत्र के हैं, अन्य सभी अधिकारी, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का ये निर्देश भी है कि तहसील दिवस में सभी लोग अधिकारी बैठे और पहले शनिवार को, तीसरे शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस, उसके अंदर आकर के व्यक्तिगत सुनवाई होती है। सभी अधिकारी को मौके पर ही निर्देश दिया जाता है, उनकी मॉनिटरिंग होती है, उनकी समीक्षा होती है, उनके संबंध में बातचीत होती है और बाद में समीक्षा होती है कि उनकी समस्या का समाधान हुआ कि नहीं हुआ। यानी सरकार पूरी गंभीरता के साथ बिल्कुल बॉटम तक, प्रत्येक गरीब से गरीब व्यक्ति तक, गाँव के प्रत्येक निचले स्तर तक सबकी समस्या का समाधान करना चाहती है। और उसी क्रम में आज जो अधिकारी यहाँ पर उपस्थित नहीं है, तो मैंने जिलाधिकारी को कहा है कि ऐसे सभी अधिकारी जो मौके पर उपस्थित नहीं है उनका एक दिन का वेतन काटा जाए। तो ये बहुत गंभीर विषय है, जो अधिकारी समय पर उपस्थित नहीं होते उनके संबंध में ये कार्रवाई होगी।